हेलो बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने जाना कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आज हम कुछ प्रमुख विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। साधारण वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वर्षा हो रही है। साधारण वाक्य में जब हमें थोड़ा रुकना होता है तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राधा, सीता और मीना क्या कर रही हैं? खेल रही हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों की समाप्ति पर प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है। विस्मय सूचक चिन्ह विस्मय, आश्चर्य, शोक, घृणा, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों तथा वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो बच्चों, आज हमने कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जाना। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।